अलवर जिले के किशनगढ़ बास के माचा गांव के कोठी का बास गांव में एक और मरकजी कनेक्शन से जुड़े बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से किशनगंज बास क्षेत्र में मरकजी कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 हो गई है, जिसके चलते अलवर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग की टीम के साथ पुलिस प्रशासन ने डोर टू डोर सर्वे कर और स्क्रीनिंग कार्य शुरू कर दिया। 15 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन मिली और कन्फर्म हम हुए कि माचा के कोठी का बांस का जो कोई व्यक्ति है वो 65 वर्षीय व्यक्ति है और कुछ ही दिनों पहले ये जमात में सम्मिलित हुआ था, उनके संपर्क में आया था और दिल्ली निजामुद्दीन ये जाकर के आया था। इसकी हमने सैंपलिंग करवाई और सैंपलिंग में ये भी पॉजिटिव पाया गया और अभी हमने जो माचा गांव है उसको पूरे को सील कर दिया, कर्फ्यू हमने लगा दिया माचा के 1 किलोमीटर की परिधि में और 3 किलोमीटर बफर जोन हमने बना करके इसको बिल्कुल सील कर दिया। साथ ही ये जो व्यक्ति था, जो पॉजिटिव व्यक्ति था, ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था और इसके साथ में कुल ये 8 लोग थे जो दिल्ली गए हैं। इसमें से आए थे दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में जाकर के आए थे, ये स्थानीय लोग थे और उसमें सम्मिलित हुए थे। ये 8 लोग थे, 8ों की हमने सैंपलिंग कराई, उसमें से 7 की नेगेटिव आई, 1 व्यक्ति की पॉजिटिव आई। 8ों व्यक्ति जो है अभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है। जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसको हम अभी तुरंत प्रभाव से आइसोलेशन के लिए जयपुर भेज रहे हैं हम इसको। और देखिए अभी तक जो उपखंड क्षेत्र है किशनगढ़ बास उसमें ये 3रा प्रकरण है और 3ों जो प्रकरण है वो जमात या इनसे संबंधित प्रकरण